हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह का 6 बजा है और सब घर में सोए हुए हैं। मैं बस उठ के आ गई हूँ मेरा सारा काम करने। और आप कैसे हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम सब यहाँ पे ठीक ठाक है। और मेरा आज काम है ये जो इंडोर प्लांट मेरा है उसको क्लीन करना। ये इंडोर प्लांट जो है हम सिर्फ शो के लिए नहीं लगाते हैं, इसका बहुत सारे खूबियाँ बहुत सारे गुण है। जैसे कि हमारा घर का अंदर जितना यार रहता है, दरवाजा खिड़कियां जब बंद रहता है रात को, तभी ये पूरा जो है एयर को क्लीन करता है, क्लीन रखता है और हम सबको स्वस्थ भी रखता है। तो हम सिर्फ शो के लिए ये सब मनी प्लांट्स वगैरह घर के अंदर नहीं लगाते हैं, इसका बहुत सारा गुण है। अगर आपके पास इंडोर प्लांट्स नहीं है तो आप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जो है सारे घर के अंदर अभी 24 आवर रह रहे हैं, तो हमारा घर का अंदर का जो एयर ज्यादा से ज्यादा क्लीन होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सके। तो ये जो मेरा मनी प्लांट है इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। कैसे क्लीन कर रही हूँ आपको दिखाती हूँ। मैं क्लीन करने के बाद ये देखिए सारा जो है पत्ता लेकर आई हूँ और अच्छे से पानी में इसका पत्ते को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि पत्ते के ऊपर भी धूल मिट्टी जम जाता है। और इसको पत्ते को भी मैं क्लीन करके इसका बटल को क्लीन करके हर 8 दिन में एक बार पानी चेंज करती रहती हूँ। अगर आपके पास है आप भी, 1 महीने में कोई कोई क्लीन करता है, ऐसा नहीं करके आप हर 8 दिन में इसको क्लीन कर दीजिए ताकि आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करे। तो कोई कोई मुझे पूछता है कि आप जो है मनी प्लांट को कैसे ग्रो करते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, क्योंकि एक दो पत्ते में किसी का बंद हो जाता है तो किसी का जड़ सड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, अगर आप 8 दिन में इसको क्लीन करते रहोगे और पानी चेंज करते रहोगे तो जड़ बिल्कुल भी नहीं सड़ेगा। तो देखिए मेरा जो है 8-10 दिन हो गया था तो बहुत सारे जड़ जो सड़ गए थे। जड़ सड़ने के बाद क्या करते हैं आप, उसको निकाल के इसका जितना सड़ा हुआ जड़ निकाल दीजिए। उसके बाद नया जड़ जो है बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सारे जड़ निकालने से आपका मनी प्लांट मर जाएगा और सूख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितना जो सड़ा हुआ जड़ जो है आप इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए और निकाल दीजिए। उसके बाद जब आप फिर से पानी में डाल के रखोगे तो इसका जड़ जो है फिर से आ जाएगा। देखिए कितने सारे जो व्हाइट व्हाइट नया जड़ आया है वो सारे अच्छे से ग्रो करने लगेगा और पत्ते भी बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिए मेरा जो है तीन जो पॉट में मैंने जार में तीन ही पत्ते लिए थे बस, उस 3 पत्ते का देखिए 2 महीने में कितना ज्यादा अच्छे से ग्रो आ गया है। हमारा जो है हर 2 वीक में, मतलब चार चार पत्ते, हर 1 वीक में एक दो पत्ते आ ही जाते हैं। देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी कितना सुंदर सुंदर सारे सारे पत्ते आए हैं नया वाला। तो आप ऐसे करते रहिए और हमेशा जो पत्ते को, मतलब पानी के अंदर, जार के अंदर फिल्टर का पानी ही डालिए और टैप का पानी मत डालिए। ऐसे फिल्टर का पानी में जल्दी से ग्रो करेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा फिल्टर का पानी ही यूज करती हूँ। ये घर का अंदर रहते हैं तो पानी भी क्लीन रहना चाहिए। गंदा पानी हम डालेंगे तो पानी जल्दी गंदा हो जाएगा और इसका जड़ जो है सड़ने लगेंगे। ये देखिए एक पत्ता जो रेड हो गया है वही वाला पत्ता मैंने डाली थी। और बटल, कांच के बटल में आप जो डालो तो ये जो है मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि इसका जड़ जो है बहुत लंबा 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 हो जाता है। देखिए इतना ये जो मैं बटल में डाल के रखी थी इसका जड़ जो है कितना नीचे तक गया है और बहुत ही लंबा हो गया है। तो इसका जो कांच का बटल में आप रखो तो इसका ग्रो जल्दी करता है। हम सुंदर दिखने के लिए छोटा सा बड़ा आकार में मैं रखी हूँ 3 के, जो है एक बड़ा सा बटल और छोटा फिर छोटा, तो इसे अच्छा दिखता है। आप ऐसे भी रख सकते हो, पर बटल में रखने से अच्छे से ग्रो करता है इसका जड़। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपने जो है मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हो, विंडर में लगा के रख सकते हो, या अपना सारे घर का जितना एयर है गंदा एयर इसको प्यूरिफाई करता है और आपको स्वस्थ भी रखता है। चलिए फ्रेंड्स, ये कोरोना के काल में तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंडोर प्लांट लगाना चाहिए, आप भी लगाइए। मैं जब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ा यहाँ पे बैंगलोर में तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं अभी, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। अगर मैं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं बाहर जाऊंगी, फिर सारे प्लांट्स फिर से ला के लगाऊंगी। देखिए मेरा प्लांट जो है कितना अभी सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छे क्लीन और नीट लग रहा है। अभी ऐसे लगाइए घर के अंदर और आपका घर का अंदर का जो एयर प्योर कीजिए।
काम खत्म करके ब्रेकफास्ट करके हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ा रही थी मैं उसको, सो लेखते लेखते मैं कब सो गई मुझे भी नहीं पता चला। अभी उठी हूँ तो अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। लंच में आज हमारा बनेगा क्या, बनाना स्टेम। बनाना स्टेम तो कट करने में बहुत मुश्किल होता है ऐसा लोगों को लगता है, पर मुझे नहीं लगता है। मैं तो इसको आसानी से कट कर लेती हूँ क्योंकि वो मुझे खाने में बहुत पसंद है। तो चलो अब करते हैं, उसमें भी कुछ सब्जियाँ जाएगा और मसाला मैं क्या डालती हूँ आपको दिखा देती हूँ। चलो अब जल्दी से आ जाते चलिए हमारे साथ देखने के लिए बनाना स्टेम की सब्जी। तो फ्रेंड्स आ जाइए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ उसको कट करने के लिए। कट करने के लिए हमको क्या करना है, पहले इसका जो है ऊपर का हार्ड पार्ट रहता है इसको निकालना है। निकालने के बाद हम ये जो सॉफ्ट पार्ट अंदर का पार्ट रहता है इसको हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। पहले जितना स्मॉल मतलब पतला पतला स्लाइसेस करोगे उतना अच्छा लगेगा खाने में। तो इसको स्लाइसेस में कट करने के बाद हम इसको छोटा छोटा पीस फिर से कर लेंगे बीच में कट करके, फिर से और छोटा छोटा, बिल्कुल जैसे आलू का हम फ्राई बनाते हैं ना ऐसा कर लेंगे। ये देखिए मेरा बेटा आ गया है बीच में आइसक्रीम खाता हुआ और मुझे भी दे रहा है, खा लो मम्मी। क्या करें, खाना पड़ता है, मन हो ना हो खाना पड़ता है, बच्चों को बात सुनना पड़ता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा सारा कट हो गया है, इसको मैं फिर से बीच में कट कर रही हूँ और छोटा छोटा आपको कट कर देना है। कट करने के बाद उसके ऊपर नमक डाल देना है। नमक डाल के उसको थोड़ा सा हाथों से सॉफ्ट करके मतलब मिला के उसके मसल देना है, ताकि उसके अंदर जो है पानी रहता है उसका वो पानी निकल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसको पानी रहने से थोड़ा कड़वा लगता है, इसीलिए स्टेप आप कभी भी स्किप मत कीजिए करिएगा। ये जो है कट करने के बाद बनाना स्टेम, इसमें आप जरूर नमक डाल के थोड़े देर के लिए छोड़ दीजिएगा। तो छोड़ने के बाद ये मैं सब्जियां कट कर रही हूँ जो उसके अंदर जाएगा। सब्जियां में जाएगा मेरा पम्पकिन और ये पोई और ब्रिंजल और पटाटो, आप चाहो तो डाल सकते हो और भी डाल सकते हो। तो ये देखिए मैं मसाला में ले रही हूँ ओनियन और लहसुन, ग्रीन चिली और ये पीनट जो है मूंगफली और सरसों, जीरा और टमाटर। इसको हम अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए मूंगफली जो है इसके मसाले में बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसमें मूंगफली डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब ग्राइंडिंग करके चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। ये देखिए सब्जियां मैं कट करके रख दी हूँ पानी में मिला के, पानी के अंदर डाल के। तो हम कढ़ाई बैठा के हम सरसों का तेल में यहाँ पे डाल रही हूँ। ये जो ट्रेडिशनल फूड होता है ना इसमें सरसों का तेल ही अच्छा लगता है। तो सरसों का तेल डालने के बाद उसमें डाली हूँ मैंने राई और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली डालने के बाद हम जो ये बनाना स्टेम को अच्छे से मैं क्लीन करके, उसको जो पानी निकल आया था नमक डालने के बाद उसको निकाल के मैं ये अच्छे से क्लीन करके धो के इसके डायरेक्ट डाल देना है। और उसके ऊपर भी हमको सारा सब्जियां डाल देना है। डालने के बाद नमक डाल के हमको ढक देना है सॉफ्ट होने तक। ये सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर आपको जल्दी में हो तो इसको प्रेशर कुकर में पहले उबाल देने से, एक सीटी लगाने से बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए हमारा पेस्ट बन गया है और इसमें जाएगा ये इमली। इमली को मैं भिगा लेती हूँ पानी में। तो ये देखिए मैं उसके ऊपर ये पोई के पत्ते डाल रही हूँ। पोई के पत्ते जो है बिल्कुल लास्ट में डालिएगा, क्योंकि ये पत्ते जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। वेजिटेबल जब सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद डालना है ये पोई के पत्ते। पोई के पत्ते डालने के बाद बस एक दो मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है पत्ते सॉफ्ट होने में, आप सबको पता है। तो बस इसके ऊपर हमको डाल देना है ये जो मसाला पेस्ट। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। मसाला पेस्ट डालने के बाद बस 4-5 मिनट के लिए हम उसको मिलाना है, क्योंकि हमारा सब्जी जो है पहले से सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से तेल में भी पक चुका है। और ये इसके बाद हमको डालना है ये इमली के पल्प जो है, इमली के एक्स्ट्रैक्ट। तो ये इमली के पानी डालने के बाद तो बस 4-5 मिनट और छोड़ देना है। तो ये लीजिए बन गया हमारा बनाना स्टेम की सब्जी। बहुत ही अच्छा एक टेस्टी डिश है, ट्रेडिशनल डिश है, आप जरूर ट्राई एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है।
खाने में ये देखिए हमारा लंच आज का रेडी हो गया है। बस सिंपल सा लंच हमारा हमेशा बनता है, आपने देखा होगा। तो ये राइस दाल और वो बनाना स्टेम की सब्जी और ओनियन और आज उज्जवल प्याज, और आप कुछ भी चाहो तो सलाड भी ले सकते हो। मैं सलाड मतलब कुकुम्बर फ्रीज से आज निकालना भूल गई थी, ये ठंडा चीज मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैं नहीं निकल कर लाई, इसी में काम चला लेती हूँ। बहुत ही अच्छा बना फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करके खाएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम सो के उठ गए हैं और बज चुका है 5। 5 का टाइम होता है हमारा चाय का। ये मैं बना रही हूँ चाय और चाय भी बन चुका है, चाय पियेंगे हम अब सब। और बेटा क्या कर रहा है चलो देखते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, जंग जीतने के लिए लूडो भी तैयार और प्रेयर वेयर भी सब कुछ हो गया। प्रेयर करने के बाद ये लड़ाई शुरू होगा। तो मम्मी का फोन आ गई है, मैं जा रही हूँ बात करने के लिए। आपको सबको पता है मम्मी का फोन जो है बहुत लंबा चलता है और ये दोनों का खेल अभी चलता रहेगा। तो हम मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज स्माइल विद सस्मिता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। गुड नाइट, बाय बाय।